हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये मेरा सुबह सुबह का काम है। मैं यहाँ पर चावल डालती हूँ, पके वाले कच्चे चावल नहीं। यहाँ चिड़िया आकर खा कर जाते हैं। अगर मैं कच्चे चावल डालूँगी तो सुबह से शाम तक यहीं रहेंगे, आधे भी नहीं ख़त्म होते। और अगर पके वाले चावल डालूँ तो दिन में 3 बार तो मुझे डालना पड़ेगा। देखिए चिड़िया वहाँ पर ये कर रहे हैं, और स्क्वायरल भी आपको वहाँ देख सकते हैं कितने सारे हैं, वो भी आते हैं। चलिए उनको ब्रेकफास्ट दे देते हैं। अब मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। देखिए मिट्टू आया है, पेरू खा रहा है। अगर मैं इसको मिट्टू बोलूँ ना, वो मुझे ही मिट्टू बोल के जाता है। मैं इसके से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बस 4-5 फीट ही दूर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए मैं नहा कर फ्रेश हो गई हूँ और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? आज मैं आपको मेरे डॉगीज से मिलाऊँगी। देखिए ये मोनी है, ये इसके अंदर जो बैठी है ये मेरा जुगाड़ है। मैंने इनके लिए वो जो गद्दा गोल बनाते हैं, मैंने वो बनवा के दिया था। उसको भी उन्होंने फाड़ फाड़ के ऐसे कपास दोनों मिलाकर खेल के चिंदी चिंदी कर दिए थे। उसके बाद मैंने अमेजोन से भी मंगवाया था, वो जो वेलवेट के कपड़े का होता है ना, वो उसको भी इस तरह से गंदा कर दिए थे इन्होंने। और धोने के बाद में फिर वो पता नहीं दोनों मिल के कैसे खेलते हैं तो पूरा फाड़ देते हैं। ये दूसरे वाला गुब्बू, ये गुब्बू है। वैसे मेरे डॉगी का नाम आपको कैसे लगा मुझे बताना। इसके आंख से पानी क्यों आ रहा है भाई, देखना पड़ेगा। वैसे आज मैं वी मेक क्रिएटर यूट्यूब का काफ़ी बड़ा चैनल है, उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने उनका कोर्स ख़रीदा था, 2 महीने का कोर्स है बोला उन्होंने। एक्चुअली कोर्स ख़रीदने के बाद एक ऐप आ गया है मोबाइल में, मतलब जब मन चाहे खोल सकते हैं। उससे तो ज़्यादा यूट्यूब पर ऐसे ही मिल जाता है सीखने को। पर नए यूट्यूबर होने की वजह से क्या होता है, हमने क्या कमी की, क्या करना चाहिए, ये पता नहीं होता है ना, तो इस वजह से हम वो ख़रीद लेते हैं। एक्चुअली उन्होंने तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की कि हमारा हफ्ते में 2 बार क्या लाइव क्लासेस होते हैं, और हम आपकी बातें सुनकर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं बोली इतना अगर जेन्युइन आदमी है, अगर वो बातें हमारे सुन के सॉल्व कर रहा है तो भला ले लेते हैं हम, बोलकर मैंने उनका 3,000 का कोर्स लिया था। तो उनके हफ्ते में 2 बार क्लासेस तो होते हैं, पर वो क्लासेस में वो किसको अनम्यूट करते हैं वही बात करेगा, और हम लोग नहीं कर पाएंगे। और अगर हम एक हाउसवाइफ हैं और साथ में यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं तो हमारे पास 2-2 घंटे कहाँ से टाइम होगा कि इनके लिए हम 2 घंटे मोबाइल लेके बैठेंगे, वो कब हमको अनम्यूट करेंगे बोलकर। तो मेरे हिसाब से तो ये नुकसान ही नुकसान है। अगर वो समझिए हम उनका कोर्स लेते हैं, आप वो बता रहे हैं 2 महीने का कोर्स है बोलकर, 2 महीने में कम से कम 4-5 बार तो वो हम लोगों को बात करना चाहिए अलग से, क्योंकि हमने कोर्स ख़रीदा है ना उनका, तो उन्होंने हमें पहले बता देना चाहिए कि आपके जो भी प्रॉब्लम हैं आप एक पेपर में लिख लीजिए, इस टाइम में हम आपको कॉल करेंगे या आप हमें कॉल करिए, हम आपको अच्छे से समझा देंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी चैनल सेटिंग क्या है, आप क्या करना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो 3,000 देने में कुछ हर्ज नहीं है, और साथ में वो जो कुछ भी उन्होंने दिया है ठीक है, पर ऐसे नहीं होता है। मैंने तो 2-3 बार मैं गई उनके लाइव क्लासेस में, और कई लोगों के तो मैसेजेस थे, सर हमें अनम्यूट करिए, मैं कभी मुझे आपने अनम्यूट नहीं किया है, मैं कितने दिनों से बात कर रहा हूँ, कितने कमेंट कर रहा हूँ, ऐसे वैसे बोलकर। और होंगे 2-4 लोग जिनको किस्मत से अनम्यूट किया होगा, और वर्ल्डप्रेस के बारे में ऐसा वैसा सब बताते हैं, बस 1 या 2 लोगों की
प्रॉब्लम सॉल्व होती है पूरे 2 घंटे में। आप अगर साल भर भी उनके पास नंबर लगाएंगे ना तो हमारा नंबर कभी नहीं आएगा। और मैंने 3 महीने हुआ है उनकी क्लास ज्वाइन करके, मेरा नंबर अभी तक एक बार भी उनके लाइफ में आया नहीं है और ना ही उनसे मेरी बात हो पाई है। एक तरह से नुकसान ही है ये क्लास लेना। हम लोग अगर YouTube चैनल बनाना चाहते हैं या YouTube पर आना चाहते हैं, पहले खुद ही YouTube को सर्च कर लें। YouTube पर इतना सारा है, हाँ उसमें से थोड़ा कुछ भटका भी देते हैं, हम खुद देखकर उसमें से जज भी कर सकते हैं, फिर करने के बाद अगर कर लें तो सही है। ये ऐसे क्लासेस ज्वाइन करना मेरे हिसाब से गलत है, मैंने गलती की है, आप मत करिए। मेरी तो एक फ्रेंड है, मैंने उससे बात की, अरे मैंने ऐसे ले लिया, मेरा तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ उनके क्लासेस में, उन्होंने कितना अच्छा बताते हैं, वैसे उनकी वीडियो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, अगर देखेंगे ना तो हाँ ऐसे लगेगा कि हमने चैनल बना लिया तो एक साल में हमारा चैनल भी ग्रो ही करेगा, ऐसे लगता है। अच्छा, काफ़ी अच्छा बताते भी हैं वो, पर बातों से ज़िंदगी नहीं चलती ना, काम हम लोगों को करना पड़ता है ना। हाँ, काम करते समय क्या गलती हो रही है, वो अगर 3,000 रुपये लिए हैं तो 4 से 5 बार बात भी नहीं करेंगे तो ऐसी क्लासेस का फ़ायदा क्या है लेकर। हाँ, उन्होंने बताया है कि हम लाइव क्लास में आपसे बात करेंगे बोलकर, कहाँ बात किए, नहीं बात किए। मेरी तो एक सहेली है, बोली मैंने ऐसे ऐसे क्लास ली थी रे, मैं कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसने बोली अरे रानी तूने तो क्लास ली, तेरे पास मोबाइल में एक ऐप तो आया, मैं तो फंस गई, किसी बंदे को मैंने 5,000 रुपये दिए, उसने बोला मुझे वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइब बढ़ा के देगा बोलकर। मैं उसे भी पता नहीं था कि ये वॉच टाइम वीडियो चलने से बढ़ता है, ये कोई होगा बढ़ जाता होगा बोल के उसने वो गलती कर ली। फिर अभी वो भी काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रही है, वो भी बहुत नाराज़ थी, बाप रे कितने गलतियां हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, और फंसाने वाले भी बहुत लोग हैं, और ये क्लासेस वाले भी काफ़ी बातें बहुत अच्छी करती हैं, बातों से दुनिया नहीं चलती है। तो मैं फंस गई हूँ, प्लीज़ आप मत करिए। चलिए, बातें बहुत हो गई, आप बोलेंगे ये कौन सा व्लॉग चल रहा है, फैमिली व्लॉग बोल के यहाँ तो ज्ञान बांटा जा रहा है। चलिए मैं आगे का आपको कुछ बताती हूँ। आज मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ये जो कैब बिठाई हूँ ढीले हो गए हैं, वहाँ पर खाना बहुत अटक रहा है, हल्का मुझे पेन भी हो रहा है, तो मुझे ये चेंज करवाना है। और ये मेरे छोटे साहबजादे की ट्यूशन है, इन्हीं के साथ जाऊंगी, ये आगे ट्यूशन जाएंगे। मैं तो डॉक्टर के पास से आ गई, जो कैप था वो भी निकाल दिए, इधर के दो गए। अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली कैप थोड़ा सा ढीला हो गया था शायद, मतलब दांतों से ढीला नहीं, बीच में ज़्यादा खाना फंस रहा था, तो काफ़ी दिनों से वो बढ़ते जा रहा था, तो इसलिए मुझे चेंज करवाना सही लगा। मैं अब वीडियो बनाऊंगी तो हंसूंगी नहीं। हंसना तो आता ही है ना, यहाँ पर दो दांत है ना, गंदे गंदे अच्छे नहीं लग रहे। मैं यहाँ पे ये चितरवार शॉप पे आई हूँ, देखती हूँ मुझे क्या लेना है। वैसे ये यहाँ का पहला शॉप है जहाँ पे किराना बाज़ार भी और बाकी सारी चीज़ें भी एक साथ मिलती हैं। आप बोलेंगे तो मैं कभी एक बार इसका पूरा वीडियो बनाऊंगी। चलिए मुझे जो ख़रीदना है देख लेती हूँ। देखिए मैंने बस इतना सा सामान लिया है, कल ही सब ख़रीदा था, बस टाइम पास के लिए मैं आई थी, पर ज़रूरत की चीज़ें थोड़ी सी भूल गई तो वो ले ली मैंने, क्योंकि यूसुफ की क्लास छूटने में अभी आधा घंटा बाकी है, तो यहाँ मेरा घूमना भी हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा मार्केट में घूमने के लिए, मतलब मार्केट में ऐसे दुकान में कुछ नई चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। मैं घर पहुँच गई हूँ, चलिए अब नीचे उतरते हैं, और काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, फिर आपसे बात करती हूँ। आइए जिन भाई बहन को चाय पीना है चाय पीने आ जाइए। चलिए मैं चाय पीकर घर के काम करती हूँ बाकी के शाम के, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।